और इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया गया है। राजधानी कीव में रूसी हमले में बर्बाद हो गया AN-225। यूक्रेन का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है AN-225, जो कि मार गिराने का दावा किया है रूस ने। ये तस्वीरें देखिए, ये AN-225 यूक्रेन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जिसको बर्बाद कर दिया है, जिसको मार गिराया है रूस ने। ये तस्वीरें देखिए आप, इस पर गोलियां दागी गई हैं, इस पर हमला किया गया और इसको बर्बाद कर दिया रूस ने। रूस के हमले में बर्बाद हो गया AN-225, सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है AN-225 यूक्रेन का, जिसको बर्बाद करने का दावा किया है रूस ने। तो रूस का हमला और यूक्रेन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट देखिए हैंगर में खड़ा था और इसको बर्बाद कर दिया हमले में रूस ने, यह जानकारी सामने आ रही है। यह दावा किया है रूस की सेना ने कि उन्होंने यूक्रेन का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिया, जो कि हैंगर में खड़ा हुआ था AN-225। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, यूक्रेन के शहरों पर रूस जबरदस्त बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी टैंकों से गोले दागे जा रहे हैं। रूस के फाइटर जेट ने फायरिंग की, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से हो रहा है हमला। रूस के शहरों पर रूसी टैंकों से गोले दागे जा रहे हैं। रूस ने टैंकों का एक बड़ा बेड़ा इस वक्त भेजा हुआ है, बड़ा एक जखीरा उन्होंने भेजा हुआ है इस वक्त यूक्रेन ने। यूक्रेन के शहरों पर बम बरसाए जा रहे हैं, रूसी टैंकों से गोले दागे जा रहे हैं, रूस के फाइटर जेट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की कसम खाकर बैठी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये कीव के करीबी शहर गोस्तोमेल की तस्वीरें। जमीन अब तक भले ही पूरी तरह हाथ में नहीं आई हो, लेकिन यहाँ के आसमान पर रूस का कब्जा है। रूस के हेलीकॉप्टर्स लगातार आसमान से आग की बरसात कर रहे हैं। युद्ध में रूस का पलड़ा भारी बेशक नजर आता है, लेकिन यूक्रेन के फाइटर भी उसे जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन के शहर सूमी पर रूस कब्जा कर चुका है, लेकिन यहाँ भी उसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के फाइटर्स ने यहाँ रूसी फौज से उसका T-72 टैंक छीन लिया, इसे एक मैदान में खड़ा कर उसे रॉकेट से उड़ा दिया। इस तरह की तस्वीरें यूक्रेन के हर मोर्चे से सामने आ रही है। रूस ताकतवर है, अगर किसी तीसरे मुल्क ने दखल नहीं दिया तो यूक्रेन को फतह करने में रूस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन यूक्रेन ने भी बता दिया है कि वो छोटा जरूर है, लेकिन हिम्मत और हौसलों से भरपूर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।